वीकली मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक में मंथली क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें लेवल तो 140 के आसपास था और अब ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एनी हाउ मंथली चार्ट पे तो ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुके हैं। अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप पे देखें तो 149 का आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये जैसे इसके ऊपर आज क्लोज करेगा तो स्टॉक में जिस तरीके से हमें लग रहा है कि जो मोमेंटम बना है यहाँ से ये स्टॉक में 165 से 170 तक के अपवर्ड मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 142 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। आज की क्लोजिंग अगर 149-150 के ऊपर होती है तो 165-170 तक की अपसाइड इसमें बहुत जल्द बनते हुए दिखेगी। तो यहाँ तक आप देखें आपको इंडियन बैंक पे नजर रखनी है, लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग भी है और यहाँ तक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है याद रखिएगा 149-150 उसके ऊपर काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। यदि मैं आपके पास अगले ग्रुप से पहले एक ऑप्शन